हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज बात करने वाले हैं टॉप 5 स्मार्टफोन्स के बारे में जिनकी प्राइस है 15,000 रुपीज और आप ले सकते हो 2020 में, जो काफी बढ़िया रहने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं सारे स्मार्टफोन्स के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं पोको M2 के बारे में। पोको के X1 और X2 वेरिएंट ने मार्केट में धमाल मचाई हुई है। अभी ये इसका थोड़ा सा लोअर वेरिएंट है। इसमें आपको क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। इसमें आपको 6.7 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ में। प्रोसेसर की अगर बात करें तो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 720G, जो आपको देखने को मिलता है इवन रेडमी नोट 9 प्रो में। पोको M2 के 3 वेरिएंट्स हैं। एक है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में, दूसरा है 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में, और तीसरा है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, जिनकी प्राइस है 14,000 रुपीज, 15,000 रुपीज और 17,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। अगर बैटरी की बात करें तो आपको मिलती है 5,000 mAh की बैटरी, जो काफी बढ़िया है, काफी तगड़ी है, मोर देन इनफ है। और साथ ही साथ आपको मिलता है 3300 वॉट का चार्जर, जो काफी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 95% आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है सिर्फ 1 घंटे में। काफी बढ़िया है ये। अगर कैमरा की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा क्वाड कैमरा, लेकिन मेन यहाँ पे जो लेंस है वो आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस। ये डे लाइट में काफी अच्छे फोटोज प्रोड्यूस करता है, लेकिन थोड़ा सा सफर करता है लो लाइट कंडीशन में। अब बात करते हैं दूसरे स्मार्टफोन की, तो ये है गैलेक्सी M21। अभी काफी लोग स्मार्टफोन्स में प्रिफर करते हैं लुक और लाइट वेट, तो ये फोन भी काफी वैसा ही है। चलिए बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले स्क्रीन की बात करते हैं, तो आपको मिलेगी एमोलेड स्क्रीन। तो एमोलेड स्क्रीन मार्केट में सबसे बढ़िया स्क्रीन आती है। इस डिवाइस में आपको मिलने वाली है ये वाली स्क्रीन। अगर प्रोसेसर की बात करें तो आपको मिलेगा एक्सिनोस का 9610 प्रोसेसर, जो बहुत ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन एक डिसेंट प्रोसेसर है जो आपको परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आने देगा। कैमरा की बात करें तो इसके कैमरा भी डे लाइट कंडीशन में काफी अच्छी फोटोज प्रोड्यूस करता है, लेकिन लो लाइट में ये सफर करता है थोड़ा सा। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो 20 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैमरा है, जिसका रिजल्ट सरप्राइजिंगली M30S से भी ज्यादा अच्छा है, जिसका परफॉर्मेंस डे लाइट में भी अच्छा है और लो लाइट में भी अच्छा है। अगर प्राइस की बात करें तो M21 आपको मिलता है 14,000 रुपीज में 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के वेरिएंट के साथ में। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसकी प्राइस होती है 16,000, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। ये आप डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना है। और अब जो फोन आने वाला है उसको आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल यही सीरीज को यूज करते हैं मोस्टली। बात करते हैं अब Redmi Note 9 Pro के बारे में। तो Redmi Note 9 Pro में आपको मिलने वाली है स्क्रीन 6.7 इंच की, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी वेट होने वाला है 209 ग्राम का। लेकिन अगर आप वेट को इग्नोर करते हो परफॉर्मेंस के लिए, तो ये फोन आपके लिए थोड़ा सा बेटर होने वाला है। तो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, तो आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर 4GB रैम के साथ में और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। और इसका दूसरा जो वेरिएंट है इसमें आपको मिलेगी 6GB रैम और 128GB की स्टोरेज, और इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 14,000 रुपीज से। कुछ टाइम पहले इसकी प्राइस थी 13,000 रुपए, लेकिन GST की वजह से इसकी प्राइस बढ़कर हो चुकी है 14,000 रुपीज, तो 1,000 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में। तो नेक्स्ट डिवाइस है Redmi 6, जो काफी बढ़िया फोन माना जाता है पर्टिकुलरली कैमरास के लिए, लेकिन इस बार Redmi कुछ नया लाया है 15,000 रुपीज के बजट के लिए, और वो है 90Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन। तो ये सिर्फ एक स्मार्टफोन है जो आपको 90Hz रिफ्रेश रेट देता है इस प्राइस पॉइंट में। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जो ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है। और अगर वेट की बात करें तो ये थोड़ा सा हैवी भी है 191 ग्राम्स का, लेकिन अगर आप स्टिल परफॉर्मेंस में बिलीव करते हो तो आपको वेट नहीं देखना चाहिए डेफिनेटली। अगर प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें मिलता है MediaTek Helio G90T प्रोसेसर, जो काफी बढ़िया माना जाता है अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, पर्टिकुलरली इन गेम्स। और इसमें आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। एक मिलता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में, दूसरा मिलता है आपको 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, और तीसरा मिलता है आपको 8GB रैम वेरिएंट 128GB स्टोरेज के साथ में। अगर कैमरा की बात करें तो ये अच्छा है डे लाइट सिचुएशंस में, और मजे की बात ये कि इसका जो नाइट मोड है वो लो लाइट कंडीशंस में फोटोज को काफी बढ़िया तरीके से मैनेज कर लेता है। तो ये डे लाइट और नाइट दोनों सिचुएशंस में काफी बढ़िया परफॉर्म करता है। अगर प्राइस की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 15,000 रुपीज, और अगर आप ज्यादा रैम और ज्यादा स्टोरेज वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आपको 15,000 से ज्यादा पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका बजट 15,000 है तो ये 15,000 वाला वेरिएंट मोर देन इनफ है आपके लिए। और अब लास्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं, तो यहाँ पर बात आती है Vivo U20 की। अब Vivo U20 को लॉन्च किया गया था Xiaomi और Realme को कम्पीट करने के लिए। इसमें स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर, 5000 mAh की बैटरी के साथ में, और आपको मिलता है इसमें ट्रिपल कैमरा ऑन द बैक। और अगर डिजाइन की बात करें तो आपको फोन थोड़ा सा बल्की लगेगा, लेकिन उसमें बैटरी ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको बल्की लगेगा, लेकिन थोड़ा सा बल्की फोन होना चाहिए
क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस आपको ज्यादा मिलता है। और यहाँ पे इसमें डिसअपॉइंटिंग चीज ये है कि आपको इसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है बजाय यूएसबी टाइप सी के। और मजेदार बात यह है कि इसमें आपको मिलता है 18 वॉट का फास्ट चार्ज बॉक्स के साथ में ही। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस बेटर है, गेम्स और मल्टीटास्किंग के मामले में काफी डिसेंट है, लेकिन यहाँ पे कैमरा से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो वैसे कैमराज नहीं है। अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कैमरा है तो आपको डेफिनेटली स्मार्टफोन को नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है तो डेफिनेटली यू शुड गो विद दिस फोन। बात करते हैं इसके वेरिएंट्स की, तो यहाँ पे आपको टू वेरिएंट्स मिलते हैं, 4GB रैम और 6GB रैम वाला वेरिएंट, और दोनों में स्टोरेज सेम ही है। और अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 12,000 रुपीज 4GB वेरिएंट के लिए और 13,000 रुपीज 6GB रैम वेरिएंट के लिए। और इसमें सिर्फ रैम ही ज्यादा है तो इसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है जो नोटिसेबल नहीं होता उतना। तो ये थे आज के टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीज 2020 में। तो आपको कौन सा फोन लेना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।